हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में हमने D1 मैथ्स स्टार्ट किया है, सो मैं आपके लिए आज D1 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपके लिए आसान हो जाए और आप चाहते हैं कि आप मैथ के एक्सपर्ट बन जाएं, तो फिर जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी तमाम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इस क्वेश्चन को हम मिलकर सॉल्व करते हैं। सो मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने आज सॉल्व करना है, इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट काफी लॉन्ग है, इसलिए आपको मैं बुक में से ये रीड करके बताऊंगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें कैलकुलेटर यूज करने से मना किया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है यूज अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट वन ए पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि वो थोड़ा आसान है, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का B और C पार्ट करूंगा। सो स्टूडेंट्स, लिखा है यूज अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। यहां पर हमने अपना आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ना है। वेयर नेसेसरी का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर किसी आंसर में 4 डेसिमल तक नहीं आता तो यू डोंट नीड टू ब्रिंग दैट आंसर, उसको 4 डेसिमल तक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस आंसर में 4 डेसिमल आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं तो आपने 4 डेसिमल तक आंसर लिखना है। चलें जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बी पार्ट करेंगे, और जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने कैलकुलेटर यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। सो कैलकुलेटर मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया है, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा SOL लिखता हूं, जिसका मतलब सॉल्यूशन है। सो यहां पर हम इक्वल साइन लिख सकते हैं। सबसे पहले 555 यानी 555 का हमने स्क्वेयर रूट निकाला है। सो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पर मुझे उम्मीद है कि आप कैलकुलेटर को यूज करना जानते हैं, और जरूर आपको इसके जो साइंटिफिक बटन्स हैं उनका यूज भी आता होगा। सो यहां पर स्टूडेंट्स मैं करीब लेकर आता हूं, यहां पर ये जो स्क्वेयर रूट का बटन है आपने पहले इसको प्रेस करना है। ये देखें स्क्रीन पर हमारे पास स्क्वेयर रूट का साइन आ गया है। अब हमने जिस नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना है उस नंबर को टाइप करें, 555 हमने टाइप किया, फिर इक्वल साइन प्रेस करें, तो आपके पास वो नंबर जिसका हमने स्क्वेयर रूट फाइंड करना था वो आ चुका है। सो यहां पर अब हम लिखेंगे इसका स्क्वेयर रूट आया है 23.5584। स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो आप फर्स्ट स्टेप से ही जो स्क्वेयर रूट या क्यूब रूट निकालते हैं पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 4 नंबर्स लिखे जरूर। अब यहां पर प्लस 5 का स्क्वेयर आप जानते हैं 25 होता है, इसी तरह से 2 का क्यूब डिनोमिनेटर में लिखा है, तो 2 का क्यूब 2 टू 4, 4 टू 8,
यहां पर 8 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय, आप देखें स्टूडेंट्स यहां पर क्यूब रूट है, तो कैलकुलेटर पर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्यूब रूट कैसे निकालना है। मैं जरा करीब लेकर आऊंगा, यहां पर देखें स्टूडेंट्स ये जो बटन है इसके ऊपर क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसको कैसे यूज करना है, आपने शिफ्ट का साइन प्रेस करना है, फिर इस बटन को प्रेस करना है, तो ये देखें स्क्रीन पर आपके पास रेडिकल साइन आ चुका है, और इसके बाद जिस नंबर का आपने क्यूब रूट निकालना है आप उस नंबर को टाइप कर दें, 222 या 222 हमने टाइप कर दिया, इक्वल साइन प्रेस कर दें, तो हमारे पास 6.0550 इसका क्यूब रूट आ चुका है। सो यहां पर हम लिखेंगे 6.0550 फोर डेसिमल प्लेसेस। अब स्टूडेंट्स बहुत आसान है, पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे और यकीनन आप ऐड करना आपको आता होगा, सो हम ऐड करेंगे 23.5584 प्लस 25, हमारे पास स्टूडेंट्स आया है 48.5584 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6.0550 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है 48.44, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 48.5584 डिवाइडेड बाय 48.44, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक लंबा डेसिमल आंसर आ चुका है, लेकिन हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो ये आंसर आया है 1.0024। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कैलकुलेटर की मदद से इस फ्रैक्शनल कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वन लग रहा है, लेकिन हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखें, फर्स्ट स्टेप में इक्वल साइन लिखते हुए हम इस स्क्वायर रूट को लिखेंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 4 क्यूब है, 4 क्यूब का मतलब स्टूडेंट कि आपने 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, जरा जल्दी से बताएं, 4 4 16 एंड 16 4 64, जी वेरी गुड, 64 प्लस, अब यहां पर हमारे पास के रूट के अंदर उन्होंने क्यूब रूट दिया है 4913 का, तो इसका क्यूब रूट उसी तरीके से स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर बताता हूं, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और ये जिसके ऊपर क्यूब रूट लिखा हुआ है यानी जो अंडर रूट है उसकी पावर 3 है, तो इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्यूब रूट आ गया है, और यहां पर आप वो नंबर जिसका क्यूब रूट निकालना है उसको टाइप कर सकते हैं, ये है 4913, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया है 17, तो यहां पर हमने इसका क्यूब रूट लिख देना है 17, क्योंकि हमने कैलकुलेटर से करना है इसलिए ये बहुत शॉर्ट मेथड से जल्दी से आंसर आ रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 7 11, 6 प्लस 1 7 और 1 ऐड कर दें तो 8, और हम जानते हैं कि 81 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो 9 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर यहां पर हम इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब है 1 ओवर 2 और
9 स्क्वायर के साथ ये 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा और ये पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी और इस तरह से 9 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगा है तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक भी करें, इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।